हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री अन्नपूर्णेश्वरी में। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है पनीर टैंगी मसाला। ये सब्जी खाने में एकदम चटपटी और टैंगी है। अगर आप इस सब्जी को एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा चटपटी और स्वादिष्ट है। तो चलिए इस सब्जी को बनाते हैं। पनीर टैंगी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर और उसे मीडियम शेप में काट कर रखा हुआ है। दही लिया है 150 ग्राम या एक कटोरी भी कह सकते हैं, और दो मीडियम साइज के प्याज को काट कर तेल में ब्राउन कलर आने तक फ्राई किया हुआ है, और एक प्याज का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम फ्रेश कोकोनट मिल्क, 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 4-5 काली मिर्च के पाउडर। फ्राई करने के लिए करी पत्ता, धनिया आधा केजी, टमाटो और 4-5 हरी मिर्च। अब हम पनीर को मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टीस्पून दही या आधा कटोरी कह सकते हैं। अब हम इस पे 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और 1/2 टी स्पून नमक डालेंगे। नमक देख के डालें और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टी स्पून। अब इस मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर हम इस पनीर में डालकर भी कम से कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये ऑनियन का पेस्ट बनाया हुआ है, ये भी इसमें डालेंगे। कम से कम हमें इसे 20 मिनट तक के लिए मैरिनेशन के लिए रखना होगा। जब तक ये मैरिनेट होगा हम अपनी सब्जी तैयार करेंगे। तेल डाला है मैंने 2 टेबलस्पून और इसी में ऑनियन को फ्राई करा हुआ है, हम इसी में सब्जी बनाएंगे। अब इसे करी पत्ता डाला है मैंने, जीरा, और ऑनियन का पेस्ट। इसे गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे इसी में। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक इसी में डाल देंगे। अब हम इसे प्याज ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। देखिए अभी ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसी में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च तेल में डालने से कलर अच्छा आता है।
अब हम टमाटर डालेंगे। अब इसे पकने के लिए कम से कम 4-5 मिनट तक छोड़ेंगे ऐसे ही। देखिए हमारा टमाटर पक चुका है, अभी थोड़ा पकना बाकी है। हम इसमें कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी को क्रश करके डालने से इसका स्वाद अच्छा आता है। जो बची हुई दही है हम इसी में डालेंगे। दही डालने से पहले हमें फ्लेम को मीडियम कर रखना है, नहीं तो ये दही फट जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह दही पकने तक हमें इसे हिलाते रहना चाहिए। देखिए अभी हमारा टमाटर भी गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डाल के जो भी बचे कुचे मसाला है वो हम इसी में डालेंगे। धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से भुना के इसे पकने के लिए और 4-5 मिनट छोड़ देंगे। और हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। किया हुआ है पनीर डालेंगे। देखिए मैरिनेट हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं, पनीर पूरा मसाला सोक कर चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया डाल के कम से कम 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, पनीर का जो भी मसाला है वो तेल छोड़ चुका है और हमारा कोकोनट मिल्क दही जो भी है उसका ही ऑयल है ये। मैंने ऑयल भी ज्यादा नहीं डाला है, लेकिन वो दही का कोकोनट मिल्क का जो भी है वही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको ये सब्जी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी लग रही है।